हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल एसजी किचन रेसिपी में स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ फिर एक बार किचन में आप लोगों के साथ नई रेसिपी के साथ। तो मैं बनाने वाली हूँ आज सेम की सब्जी, जो बिल्कुल अलग और डिफरेंट तरीके की होगी फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट होगी। और अगर आप लोग एक बार इसे बना लोगे ना, तो बार बार यही बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने ले लिया है यहाँ पे सेम। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेम को छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। और यहाँ पे हमने ले लिया है दो आलू। तो दो आलू को भी हमने छील करके साफ़ करके और छोटे छोटे पीसों में हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम रख देते हैं साइड में और इसे धो करके साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया है, देख सकते हैं, 3 से 4 ही हरी मिर्च और यहाँ पे 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और एक टमाटर और छोटा सा हमने यहाँ पे प्याज का टुकड़ा लिया है। प्याज का टुकड़ा एकदम छोटा सा ही लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारी तेल गरम हो चुकी है और इसमें हम डाल दिए हैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तो ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना है फ्रेंड्स सब्जी को। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि आलू और सेम को सबसे पहले यहाँ पे भून लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे भून लेंगे ताकि अच्छे से ये भून जाए। तो जब तक ये हमारा भून रहा है ना, तब तक हम क्या करते हैं कि इसकी मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे किया है, अभी मीडियम वाइज करके इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमने ले लिया है, देख सकते हैं कि टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और एकदम छोटा सा जो हमने टुकड़ा लिया था प्याज का ना, उसे कट कर लेते हैं। टमाटर को भी हम छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये एकदम बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके की सब्जी बनेगी। इसकी मसाले जो है ना, बिल्कुल ही अलग रहेंगे। ये हमारी मम्मी मुझे बचपन में ना, मेरी मम्मी मुझे बना करके ये खिलाती थी, बहुत स्वादिष्ट लगता था। तो उसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी फेवरेट सब्जी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि लहसुन, टमाटर, प्याज, अदरक जो भी है ना, इसे अब इसमें हम मिक्सर में डाल देंगे। और इसे हम क्या करेंगे, 2 चम्मच डाल देंगे राई। ये राई डालने से फ्रेंड इसकी बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बन के रेडी हो जाता है। तो आप लोग एक बार से ये ज़रूर बनाइएगा इस तरह की। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी सब्जी भी अच्छे से बन चुका है ना। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, गैस का फ्लेम कम कर देंगे और सब्जी को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे 2 चम्मच फिर ऑयल। तो बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ही इसमें ऑयल यूज़ करिए। और मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइए इसे, किसी और तेल में आप बनाओगे ना तो ये बिल्कुल भी चटपटा और स्वादिष्ट बन के रेडी नहीं होगा, स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1/2 चम्मच डाल देंगे मेथी दाना और यहीं पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और इसे हम चटकने देंगे अच्छे से। जब तक ये अच्छे से चटके नहीं ना, तब तक इसमें आप मसाला नहीं ऐड करिए। तो चटक जाने के बाद हमने यहाँ पर मसालों को ऐड कर लिया है, जो पिसे हुए मसाले थे मेरे। और इसको हम क्या करेंगे कि 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हम मीडियम आंच करके मसालों को भूनेंगे। देख सकते हैं हमारे मसाले एकदम अच्छे से हम भून चुके हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना कि पानी डाल करके मसालों को अच्छे से भून लेंगे। एक ही बार आप ज़्यादा पानी डालोगे ना तो मसाले अच्छे से भुनेंगे नहीं, और जब मसाले भुनेंगे नहीं तो बिल्कुल भी आपकी सब्जी की जो टेस्ट होगा ना, वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मसाले अच्छे से भुनने चाहिए फ्रेंड्स। देख सकते हैं कि मसाले मेरे अच्छे से अब भुन चुके हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चला लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा इसमें आप जब ग्रेवी बनाओ लेंगे तो इसमें गर्म पानी आप ऐड करो। इससे क्या होगा कि मसाले बहुत अच्छे से पक जाते हैं। और गर्म पानी कभी भी आप सब्जी बनाओ ना, तो उसमें गर्म पानी ही ग्रेवी में ऐड करो। उससे मसाले अच्छे से मिक्स होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। और यहीं पर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको भी हम अच्छे से
चला लेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी चटपटा बन के रेडी होता है। आप इसे ज्यादा अगर चाहो ना तो राइस के साथ खा सकते हो। दोपहर के लंच में आप राइस और ये सब्जी बना के रेडी कर सकते हो और खा सकते हो। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और बताना कि मेरी रेसिपी कैसे लगती है आप लोगों को। और मेरे चैनल पे बने रहना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है मीडियम आँच करके। तो आप इसमें पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना मर्जी, बहुत ज़्यादा अगर आप सूखा भी बना सकते हो और ग्रेवी भी बना सकते हो। तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी ग्रेवी बनाऊँगी मैं राइस के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ऐसे ही चाहिए। आप लोग चाहो तो कम पानी भी डाल सकते हो इसमें। और यहाँ पे धनिया पत्ता हमने ऐड कर लिया और इसे आप राइस के साथ खाओगे ना बहुत ही टेस्टी और चटपटी स्वादिष्ट बन के रेडी होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना और बताना कि ये कैसी सब्ज़ी की रेसिपी बन के रेडी हुई है। बाय बाय फ्रेंड।